ये आपके लिए ज्ञान तैयार हो रहा है। काले झंडे दिखाएगा उसी है ना इसके पास और काले ठीक है जाकर साहब राम राम सर राम राम। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? होप करता हूँ अच्छे हो गए और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस फिर से माफी चाहूंगा कि व्लॉग बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं। कोई बात नहीं गाइज, अब उसको प्रॉपरली करेंगे। और आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके कटाक देरी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फिर आप लोग वीडियो में मस्त हो जाओगे और बिजी हो जाओगे। जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी थे कि भाई ऐसा इनको कैंपिंग वाला कॉन्टेंट चाहिए, तो भाई बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, कैंपिंग वाला कॉन्टेंट भी बनाएंगे। तो भाई अब चल दिए हैं हम एक बार शहर की तरफ, और आज एक जगह जाना था तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा आज का लुक है। तो भाई एक बार चलते हैं फटाफट से आगे की ओर। कहाँ पे जा रहे हैं हम? जा रहे हैं मॉडल टाउन। मॉडल टाउन किस लिए जा रहे हैं? विक्रम भैया और आ रहे हैं, जाखड़ आ रहा है, तो एक बार जाके मिलते हैं उनसे। काफ़ी दिन हो गए मिले, मैं गुड़गांव नहीं जा पा रहा था, मतलब गया था लेकिन ज़्यादा कोई ऐसा उनसे मिल नहीं पाया था, क्योंकि मैं गया था उसके चक्कर में जब नानी के लिए वहाँ हवन था और ये सब चीज़ें थी, तो इसलिए गया था। तो भाई अब फटाफट से चलते हैं एक बार ही। और अंकुर मिला था थोड़ी देर पहले जाके, अंकुर भी शायद हो सकता है वहीं आए, अंकुर से भी मिलेंगे। एक छोटा सा काम था गाड़ी का, वो कराया था, अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि हमने क्या कराया था। थोड़ा सा चेंज कराया हल्का सा, और भाई गाड़ी अपना बढ़िया चल रही है, मज़े दे रही है पूरे। और भाई बहुत लोगों के क्वेश्चन भी थे, गाड़ी भी प्लान हो रही है भाई, प्लान हो रही है, हो रही है, हो रही है, बताएंगे बहुत जल्दी आने वाले व्लॉग्स में आपको क्या होता है, कैसे होता है। तो क्या है भाई, विक्रम भैया का हमेशा होता ही है कि जब भी आएँ तो अपना भाई ऑफिस में बैठते हैं, उसके बाद भाई आने से पहले बैठते हैं, आने के बाद बैठते हैं, मतलब काम जिस काम आते हैं उस काम से पहले बैठते हैं, काम के बाद बैठते हैं। लेकिन आज उनको थोड़ी सी जल्दी है, वापस जाना है उनको, तो मैंने कहा चलो भाई मैं वहीं आ जाऊँगा। वो शायद अपोलो टायर्स पर आ रहे हैं अर्जुन भाई के पास, एक बार चलेंगे अर्जुन भाई से। मुझे भी एक चीज़ पूछनी थी, एक कुछ काम था अलॉय से रिलेटेड, तो चल के वो भी करेंगे भाई, और आपको बताएंगे अलॉयज क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, किस में लगाएंगे वो भी बताएंगे। वो भी एक खुशखबरी है, आपको दिखाएंगे जल्दी ही। उसके ऊपर भी काम चल रहा है हमारा, अब काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारा काम चल रहा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं गाइस। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, मज़ा आता रहेगा। बस जो बीच का बैकलॉग है उसको भी ठीक करेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो करेंगे उसको भी ठीक करेंगे। देखना पेड़ पर कैसे बैठे हैं, देखना ये, देखना कैसे बैठे हैं यार, ये उड़ जाएंगे ना तो नहीं गजब का लगेगा ना, अगर उड़ गए तो देखते हैं आपको दिखा पाते हैं। पर यार ये देखो बैठे कैसे हैं, बहुत सही है, कई बार आता हूँ ना बड़े सही उड़ते हैं यहाँ से ना, बहुत ही सही। उड़ जाओ यार। क्यों इनको परेशान कर रहा, नहीं उड़ रहे भाई, इधर वाले उड़ रहे हैं अभी, वो नहीं उड़ रहे, बैठे हैं अभी भी। मौसम बड़ा अजीब सा हो जाता है आजकल ना, पता नहीं क्या यार, दोपहर को तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो जाती है, धूप सी हो जाती है, और शाम को और सुबह सुबह सही ठंडा ठंडा मौसम होता है, मस्त ठंड लगने वाला मौसम होता है। तो चलो भाई कोई नहीं, गाड़ी में दोनों तरीके का अरेंजमेंट रख लेते हैं हम, जैकेट एक अलग रख लिए है, और वैसे भी मेरे तो वैसे भी एक आदत है कि मेरी एक हाफ स्लीव की जैकेट और एक फुल स्लीव की जैकेट और एक लोई परमानेंट गाड़ी में रहती है भाई, परमानेंट, एक छोटी एक बड़ी फुल स्लीव की, एक हाफ विदाउट स्लीव मतलब नॉट हाफ स्लीव, वो और एक लोई हमेशा परमानेंट गाड़ी में रहती है भाई। जी देखो अंकुर पहुंच गया है, खड़ी है उसकी स्कॉर्पियो, और भाई जाखड़ और भी पहुंच गए होंगे, देखते हैं अभी चल के। आपके लिए ये आपके लिए ज्ञान तैयार हो रहा है। तो भाई मैंने ना आज सर क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, क्या हाल ने? वधिया तुसी दसो, पूरा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रखी है, पैसा कमाल है, ऐसे जितवाना है हमने। हां छुट्टी करा देंगे ना फिर, कि भाई अब गुड़गांव में जाना है इतने दिन, यही रहना है, वीजा लेना पड़ेगा, रोहतक का, रोहतक का वीजा, रोहतक का वीजा लेना पड़ेगा, परमानेंट रेजिडेंट फ्रेंड बनाना पड़ेगा थोड़े दिन, ना ना आधार कार्ड भैया हमारे, ऐसी बात है, वोट वोट यही का है ना, वोट यहाँ का नहीं है मेरा, वापस कराना पड़ेगा, वापस कराना पड़ेगा, ना ना भाई तो वोट यहाँ का है मेरा, वोट यहाँ का है, नहीं तो अंकल तो नहीं। वो तो है पूरा सही भाई हमारा, कित खुरा था तू इतने दिन? बस गुड़गांव नहीं आया भाई, बत्ती गुजरती है वहां से ये निकलता है, और कहता मैं तो दूर से चला गया था,
मैंने कहा भाई दूर से चल के आता है। अच्छा और एक बात हम तो नजदीक आ गए ना, हमने तो नजदीक आके एक बात मैंने एक फोन करके भी कही थी क्या कि भाई रोज तक अगर ऐसे बिना बताया होगा तो अगली बार बैरिकेड लग जाएंगे काले झंडे दिखाएगा और क्या ठीक है। भाई साहब सरकार ने उन्होंने जब काले झंडे बड़े पाते तो भाई साहब मैं बड़े दिन दे दूं कहते भी नहीं टोल टैक्स अलग है देख देख लिया यो फायदा खुले खुले में कह रहे हैं आपके साथ ये काम हो रहा है क्या हाल चाल है? एक तो नई गाड़ी की पहले मुबारक हो, धन्यवाद। गाड़ी का रंग बदलने की मुबारक हो और डबल डबल धन्यवाद। और अब जो आपने टायर वाला काम करके एक और काम करोगे उसकी मुबारक हो। दो पार्टी भी दे दे तीन होगी तीन होगी एक तो दे दे एक दो चार नहीं फिर आज सैटरडे बोल भाई लट कहाँ है वेयर इज माय लट चलो मेरी गाड़ी के बारे नहीं बहुत सही लग रही है लॉयज और बहुत प्यारे लग रहे हैं नो डाउट। अरे एक नंबर भाई सही में बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं ब्लैक ब्लैक एक्चुअल में ये वाला कलर बहुत सही लग रहा है। हमने तो लोगों को बहुत सजेशन दिया था कि गाड़ी टाइम व्हाट इज दिस मैन सुनो तो लोगों को बहुत कहा था मैंने गाड़ी टाइम पे नहीं मिल रही तो रंग मत देखो हो जाएगा सही बात है पर लोगों को लगा हम उनका फायदा खा रहे हैं हमने अपने पे भी करवा दिया था। ये लोग आप ही हैं यही कलर का था जो तू शॉर्ट शर्ट पहन के आ रहा है अपनी गाड़ी के लिए नहीं करवाएगा ये दूसरे को ही ज्ञान दे रहा है। चले बाजार कुत्ते भोंके जा रहे हैं चलो फिर गाड़ी लगाओ चलेंगे फिर मेरे साथ ही। तो ले भाई जाखड़ की ये जो ब्लैक हो गई है ना बहुत ही प्यारी लग रही है आगे से गाड़ी फ्रंट जो अपील है ना वो बहुत सही लग रही है जाखड़ जो फ्रंट अपील है ना भाई साहब गजब ना भाई ना एक्चुअल में ओए ले गया भाई नंबर ले गया नंबर ले गया नंबर ले गया भाई ये नंबर लेने की आदत भी है लेकिन ये लेकिन ये उसके साथ एक और ऐड कर गया पर इससे हो नहीं पाएगा तुमसे ना हो पाएगा भाई वो चीज नहीं हो पाएगी जो करने की सोच रहे हो। चलो कोई बात नहीं इसकी तो फिर भी ले ही जानी है क्यों कैमरे में लोगों के सामने इसकी इतनी ली कर कुछ खा लेते पहले फिर तो और वाहियात ली जाएगी बहुत हवा में उड़ रहे हैं आजकल पंछी खुले पंछी हो गए हैं ये। चलो भाई चले गए देख एक ब्लैक ये है और एक ब्लैक ये है मतलब ये कपड़ों पे एकदम से चेंज कैसे गोवा गोवा जाने की तैयारी है कोई गोवा गोवा जाने की तैयारी है क्या कोई सिंगापुर से आया लड़का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है क्या है ना कि कपड़े अच्छे होंगे तो बॉडी भी ठीक रहती है मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट रहती है कॉन्फिडेंस बड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है पूरा टी शर्ट पहनने से पतला तो नहीं हो जाऊंगा ठीक रहता है कंफर्ट तो लोअर लोअर में प्रोफेशनलिज्म नहीं आता वो एक 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 वो एक वो कर ले प्रोजेक्ट बना ले प्रोजेक्ट कार्स करके कुछ एक सिस्टम बना ले जहाँ सब कुछ होगा ना करोलवा की जरूरत है ना वहाँ जाने की जरूरत है माफिया क्या है तुम्हारा तू ही खोल ले सारा जिसमें सब कुछ फुल हाउस हो अंदर ही। आपकी क्या सलाह है भाई साहब जैक एंड जोन्स बताओ क्या सलाह है आपकी खो लेना चाहिए नहीं खो लेना चाहिए कोई भी काम धंधा करने से पहले उसकी जांच परख पड़ताल सब कुछ करना चाहिए ऐसा नहीं है कि ठीक पैसा है तो आप लगा दो कभी भी नहीं। मैं अच्छा इस बात में मैं एक बात आपको कहूंगा आपने कहा जांच पड़ताल ये रही जांच ये रही पड़ताल और कुछ करने की जरूरत क्या है ताल में ताल बजा लेंगे अगर हो तो जांच जांच पड़ताल करने की जरूरत है क्या कोई जरूरत है भाई साहब मैं भी अगर मान लो देखो मैं भी काम करता हूँ ठीक है मुझे पता है पर लेकिन वही चीज है जब तक कम से कम उस काम की स्टडी होनी चाहिए आपको उस काम अभी आप करवा रहे हो खुद करने में डिटेलिंग देने में बंदे में भाई साहब प्रिसीजन चाहिए पर ये तीन गाड़ियां तो कर चुका है करना है। अच्छा अब ये बता दो आप चल खा रहे हो खाने
मैं तो जा रहा हूँ एक बार घर घर जाना बाद में, भूख लग रही है। यो जो मेरा लंच छुड़वाया ना आपने भैया, कैमरा की पिस्तौल तान के लोगे सारे काम करवा लूंगा मैं। जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, कहाँ से किस टाइम? मैंने भी नहीं करा, आपने फोन कर दिया आज अभी। तू रहन दे, तू रहन दे, इसकी सुनो कहानी, इसकी सुनो। रोहतक में आप 8 बजे के बाद कहीं निकल लो, इसकी गाड़ी किसी रोड की साइड पे खड़ी पाओगी। खुशी है ना इसके पास, और काले हम खुशी की ओर नहीं कर सकते। खुशी के भाई को छोड़ दिया यार। So sad man. लड़की जिंदगी में आने से भाई बदला, लड़की जिंदगी में क्या आई, भाई बदल गया। अरे कुछ नहीं, अब इसके घर वालों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। देख एडिट मत करियो, देख भाई देख, इसकी तो हिम्मत है नहीं करा बताने की, तो इस वीडियो के माध्यम से कृपया पहुंच जाए बात। हम तो इस डन, इसने ये काम जब किया जब हम इसकी छत्र, हमने इसे छत्र छाया में नहीं रखा। अच्छा, इसने लड़की पटाई है, हमारी छत्र छाया में रह के नहीं पटाई। डिस्क्लोजर, अभी घर वाले यूं कहते हैं कि भाई इसने खराब किया है। राहुल की नजरों में हुआ सब काम, मेरे छत्र छाया में तो है भी नहीं। मेरे छत्र छाया में होता तो तक ब्याह हो लेता। ये इसलिए रुका हुआ है, बस इसलिए रुका हुआ है कि राहुल का हो जाए उसके बाद करूंगा। जाखड़ साहब बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कुछ खिला दो। भाई भूख लग रही है सही में, लंच भी निकलने दिया। हमारा डेकोरम पूरा हो गया, भैया भी पहुंच गए हैं और हम तो आ ही गए हैं। भाई ये देखो, ये फोन पे कर रहा है कोई तैयारी। सो भाऊ जी, चलो भाई इजाजत दे देते हैं जी। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द लवली डिनर। नहीं आज 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 थैंक यू इधर बोलना पड़ेगा, वो तो मुंह फेर रहा है आज। थैंक यू इसको, हाँ छोड़ के नहीं आएगा, प्रधान जी को छोड़ के आओ, विधायक जी को। ठीक है जाकर साहब, राम राम सर, राम राम। ठीक है चले भाई साहब, वही हम निकल लिए। और आज हमें ना अंकुर ने करा दिया बढ़िया सा डिनर, लेकिन आज बात ये हुई है कि अंकुर ने खुद तो कुछ खाया नहीं। नहीं मेरे जिम जाना पड़ेगा। ओहो, आजकल भाई साहब आजकल मिशन पे है, एक अलग तरीके के। तो कोई बात नहीं, भाई की जाग गई है अंदर वाली आवाज, हमारी अभी जागी नहीं है। थोड़ा हाथ भारी करके नहीं तो नशे बैठ जाते हैं। मेरे को अंकुर छोड़ देगा अब, एक बारी वहाँ पे गाड़ी खड़ी है मेरी, अर्जुन टायर घर के बाहर। हाँ तो भाई वहाँ से गाड़ी भी उठा लेंगे और चल पड़ेंगे उसके बाद घर की और, क्योंकि आज हो गया टाइम बहुत ज्यादा और काम कर लिया हमने बहुत सारे, तो अब चल देते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स फाइनली आ गए हैं। सो गाइस फाइनली आ गए गाड़ी में और गॉगल्स उतार देते हैं यार, क्योंकि अब गाड़ी में आ गए हैं। मैं ना स्पेक्स उठाना भूल गया था अपना, और उस टाइम धूप थी तो मैं गॉगल डाल के निकल गया था और गाड़ी यहीं खड़ी थी अपोलो के बाहर। तो पहन लेते हैं स्पेक्स और चलते हैं घर की ओर। चलो यार एक बार यार, ये पीछे ना क्वालिटी वॉल्स वाला खड़ा है भाई हमारा, लोग ले रहे हैं उसकी वजह से भीड़ है यार। ये क्वालिटी वॉल्स वाला हटता है तो हटाते हैं, हट निकालते हैं गाड़ी हम अपनी। सो भाई ये देख लो अपना भाई पीछे खड़ा है, इसको बोलते हैं कि भाई हटा ले यार, ऐसे ना कर यार। है मोर बने थे भैया और अपना निकल गया, अब रास्ता हो गया क्लियर। ओहो निकाल लेते हैं एक बारी। गाड़ी में कराया है ये काम, ये ब्लैक टेप कराई है हमने और बहुत सही लग रही है। बाकी आपको दिन में दिखाते हैं बढ़िया तरीके से कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। अंधेरा हो गया पहुँचते पहुँचते, एक आगे भी कराई है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक ही आगे कराइए ऐसे, सिर्फ इस पे इंडिकेटर पे, यहाँ यहाँ। बाकी आपको दिन में आराम से बताते हैं इसके बारे में। सो भाई पहुँच गए हैं घर पे और कर देते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो गाइस। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।